शिक्षा परिषद के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री श्रवण कुमार निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सीएमकेएस सुंदरम जी, महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी, बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और गोरखपुर मंडल के सभी जनपदों से आए हुए सभी उपस्थित शिक्षक गण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज बेसिक शिक्षा परिषद विगत 6 वर्ष के अंदर हुए विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में अपने साथ कुछ नए अलंकरण जोड़ रहा है। पिछले 1 घंटे से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मुझे यहां पर आपके साथ और बेसिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियों के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबके सामूहिक प्रयास से बेसिक शिक्षा परिषद में नित नए परिवर्तन और समय के अनुरूप अपने आप को ढालने की जो एक नई सकारात्मक प्रवृत्ति पैदा हुई है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूं और इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज जब मैं प्रातः यहां पर आया था, उस समय मैंने देखा कि दिव्यांग जनों को, जो दिव्यांग बच्चे थे, उन बच्चों को ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर का वितरण होने के साथ ही अन्य दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। उपकरण वितरण के साथ ही फिर यहां पर मुझे एग्जीबिशन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। कैसे हम सहजता के साथ, सरलता के साथ, उदाहरण के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से आसानी से बच्चों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ भाषा की जानकारी भी उपलब्ध करवा सकते हैं, यह भी मैंने देखा। और अब इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब यहां पर देखे हैं कि आज गोरखपुर मंडल के जो 64 विकास खंड हैं, इनमें 64 आईसीटी लैब्स, यहां पर गोरखपुर मंडल के लिए 14,360 टैबलेट वितरण का कार्यक्रम और परिस्थितीय विद्यालयों में 1,086 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें स्मार्ट क्लास की स्थापना के कार्यक्रम को भी आज आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सचमुच बेसिक शिक्षा परिषद में हुए परिवर्तन का एक नया उदाहरण है। इसके लिए मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए आप सभी गुरुजनों को हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और बेसिक शिक्षा विभाग को इसके लिए हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, कोई भी सभ्य समाज के बगैर कोई राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता। किसी राष्ट्र को सशक्त बनना है तो उसको समर्थ बनना पड़ेगा। समर्थ बनना है तो उसके लिए वहां की शिक्षा को संस्कार युक्त बनना पड़ेगा। व्यक्ति के अंदर आत्मानुशासन की भावना पैदा हो सके, समाज और राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों को अपना मुद्दा समझने की एक प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। अगर इन सभी भावनाओं को अगर कहीं से हम
समावेश करा सकते हैं और उसका सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है तो वह शिक्षा होगी। जैसी शिक्षा होगी वैसा चरित्र होगा, जैसा चरित्र होगा समाज की वैसी दिशा होगी, और समाज जैसे चलेगा राष्ट्र उस दिशा में दौड़ पड़ेगा। और इस दृष्टि से हम सबको पूरा का पूरा दारोमदार, अगर किसी एक वस्तु पर, एक चीज पर टिकी हुई है समर्थ और सशक्त राष्ट्र की, तो वह आप सबके परिश्रम और आप सबके पुरुषार्थ पर टिकी हुई है। आप चाहेंगे तो देश को तेजी के साथ बुलंदियों की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि अतीत में यह कार्य न हुआ हो। आप याद करिए, अगर गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र नहीं होते क्या राम हो पाते? अगर चाणक्य नहीं होते तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य हो गए होते क्या? अगर गुरु संदीपन नहीं होते तो क्या कृष्ण हमें मिल पाए होते क्या? ये तो ढेर सारे उदाहरण हैं। भारत में ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में एक बच्चे को युवा बनते हुए और फिर राष्ट्र के एक समर्थ और सभ्य नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हर व्यक्ति देख सकता है। और एक शिक्षक की तो सबसे बड़ी उपलब्धि वही होती है कि अपने नागरिक को कितना, जब अपने द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को कितना वह समर्थ और योग्य बना करके राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उसके अंदर पैदा कर दे, या उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। उस उपलब्धि के साथ उसे अपने आप को जोड़ना चाहिए। और आज उसी उपलब्धि के साथ जुड़ने के लिए हम सब आज आपके बीच में यहां पर आए हैं। आपके पास अपने हर दिन के कार्यों का मूल्यांकन का तौर तरीका होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कार्यों का मूल्यांकन नहीं करता है, इसका मतलब वह व्यक्ति अपने से अपने अपने साथ धोखा कर रहा है। और जो व्यक्ति अपने साथ धोखा कर रहा है वह समाज के साथ अवश्य धोखा करता होगा, राष्ट्र के साथ धोखा करता होगा। सबसे पहले हमें अपने आप का मूल्यांकन करना चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तत्परता के साथ, किस ईमानदारी के साथ कर पा रहा हूं? और अगर मैं कर रहा हूं, इसका मतलब फिर मैं समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूं। एक शिक्षक का आदर्श अगर कोई होना चाहिए तो चाणक्य होना चाहिए। एक शिक्षक का आदर्श कोई होना चाहिए तो वह गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र होना चाहिए, ऋषि संदीपन जैसा आदर्श होना चाहिए, ऋषि भारद्वाज जैसा आदर्श होना चाहिए। उस परंपरा के आप वाहक हैं और उस वाहक के रूप में आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद में हुए परिवर्तन को कर्मिक रूप से आगे बढ़ते हुए देखा है। मैं मानता हूं बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे इन 6 वर्षों में भर्ती भी हुए होंगे, क्योंकि 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती इस दौरान हुई है। लेकिन इस दौरान स्कूल चलो अभियान, इस दौरान ऑपरेशन कायाकल्प, इस दौरान निपुण भारत अभियान, इस दौरान जो ये तमाम प्रकार के कार्यक्रम चले हैं यह भी आपके सामने है। और इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम समय के अनुरूप अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति के साथ जोड़ सकेंगे, इन कार्यक्रमों के साथ एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा पाएंगे, तो मुझे लगता है इसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। और मैं आप सबसे कहूंगा इस बारे में कि जो मैंने आपसे कहा कि प्रतिदिन का अपने कार्यों का मूल्यांकन, वह आपके आत्मावलोकन का एक माध्यम बनेगा। फिर साप्ताहिक दृश्य भी, पाक्षिक दृश्य, मासिक दृश्य, त्रिमासिक,
छह माह में, एक वर्ष में क्या आपने किया है, और फिर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आधार बनाइए अपने विद्यालय को। आप देखते होंगे मैं आज भी पूरे प्रदेश भर में घूमता हूं, मुझे ज्यादातर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प से आच्छादित होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे ये भी देखने को मिलता है कि इक्के दुक्के कुछ ऐसे विद्यालय बच्चे हैं जो ऑपरेशन कायाकल्प से अभी भी काफी दूर हैं। उनको जोड़ने का प्रयास, आखिर वहां भी तो कोई शिक्षक होंगे, क्या उनके मन में भाव पैदा नहीं होता है कि वह भी इस कार्य को जोड़ सके। वहां जनप्रतिनिधियों से सहयोग ले सकते हैं, ग्राम पंचायत से सहयोग ले सकते हैं, वहां पर किसी अन्य तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और याद रखना, जब तक पुरातन छात्रों को भी आप जोड़ेंगे, कौन ऐसा व्यक्ति होगा, आज की पीढ़ी जो वर्तमान में कार्य कर रही है, जो किसी न किसी कार्य के साथ जुड़ी हुई है, याद रखना यह किसी न किसी बेसिक शिक्षा परिषद का ही प्रोडक्ट है, और वह बेसिक शिक्षा परिषद में कार्य करने के लिए वह व्यक्ति स्वयं इच्छुक होगा सहयोग करने के लिए, लेकिन सहयोग लेने की आदत हमें स्वयं डालनी पड़ेगी। हम गांव के लोगों को बुला करके कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं, पुरातन छात्रों को जोड़ सकते हैं, ग्राम पंचायत का सहयोग लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाना और साफ सुथरा प्रवेश होना, परिसर आपका साफ सुथरा हो, फूलदार फलदार छायादार वृक्षों को लगाने की व्यवस्था करना, वहां पे बच्चों के मन में इन सभी कार्यक्रमों को जोड़ने की एक नई प्रवृत्ति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास होना, और फिर तकनीकी दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए भी क्या कुछ प्रयास हो सकता है। ये जो टैबलेट आपको दिया गया है, ये टैबलेट जो दिया जा रहा है, ये टैबलेट तकनीकी रूप से आप भी सक्षम हो सके, शासन के साथ एक पारतम्यता आप भी बना सके, लेकिन समय के अनुरूप आप भी अपने आप को आगे बढ़ा करके इस योग्य बन सके कि आने वाली पीढ़ी को आप एक नया मार्ग भी दिखा सकें। यानी आपके पास जितने भी स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, या आईसीटी लैब्स जो बन रहे हैं, या आपको समय के अनुरूप दो कदम आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा प्रदान करेगा। याद रखना, समाज जहां सोच रहा है, अगर हम उससे दो कदम आगे बढ़कर के नहीं सोचेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। आज नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, और इस दिशा में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि जो आज यहां पर अनेक प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने के कार्य हो रहे हैं, क्रमिक रूप से आपने देखा होगा, पहले चरण में हम लोगों ने जब बच्चों को यूनिफॉर्म बैग बुक से सभी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की, तो पहले चरण में एक एक करके दिया गया, धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया गया। एक समय ऐसा था जब हम स्कूलों के माध्यम से बैग बुक्स शूज स्वेटर सभी उपलब्ध करवाते थे, फिर यह हुआ कि नहीं, अभी हमें तकनीक का उपयोग करना चाहिए और डीबीटी के माध्यम से पूरी धनराशि बच्चे के अभिभावक के खाते में जाने लग गई। अब शिक्षक की जिम्मेदारी क्या बनती है, प्रधानाचार्य और शिक्षक मिलकर के अभिभावकों के साथ बैठे और अभिभावकों को इस बारे में जवाबदेह बनाए कि बच्चों को यूनिफॉर्म पहन करके और साफ सुथरे कपड़े के साथ वे बच्चे स्कूल में आए, अपने बैग के साथ आए, अपने जूते मोजे पहन करके आए, यूनिफॉर्म साफ सुथरी होनी चाहिए, स्वच्छता के प्रति उन्हें जागरूक बनाने की आवश्यकता है। आज आप देखते होंगे स्वच्छ भारत अभियान ने गांव में स्वच्छता के एक नए प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया है, तो बीमारियां भी कम हुई हैं, और ये गोरखपुर मंडल तो इस बात के लिए सबसे ज्यादा यानी स्थापित था। इस सीजन में यहां पर इंसेफ्लाइटिस की बीमारी होती थी, हजारों मौतें होती थी, आज इंसेफ्लाइटिस को स्वच्छ भारत मिशन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के कारण हम लोगों ने पूरी तरह उसका उन्मूलन कर दिया। आप देख रहे होंगे इस समय इंसेफ्लाइटिस का कोई भय नहीं, नहीं तो इंसेफ्लाइटिस से हर वर्ष उत्तर प्रदेश में 1,000 1,200 1,500 मौतें होती थी, आज इसका कोई भय नहीं है।
इसलिए हम सबको इस पूरे कार्यक्रम के साथ पूरी पवित्रता के साथ जुड़ना, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, विद्यालय के प्रवेश को साफ सुथरा रखने के लिए प्रयास करना, विद्यालय में और भी कुछ नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की तैयारी करना, ये सभी चीजें अगर हम आगे बढ़ा सकते हैं और साथ साथ इन चीजों को ध्यान में रखना जो सरकार ने आज यहां पर आपके लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की है। टैबलेट वितरण के लिए अगर हम देखेंगे तो 14,360 टैबलेट केवल गोरखपुर मंडल में ही वितरित किए जा रहे हैं। ये टैबलेट आपको तकनीकी दृष्टि सक्षम तो बनाएगा ही, लेकिन साथ साथ आपको प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन का भी एक माध्यम बनाएगा और यह आपके लिए उपयोगी होगा। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना कालखंड में लागू करके भारत को दुनिया का शिक्षा में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने के जिस अभियान को प्रधानमंत्री जी वर्तमान में लीड कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का नेतृत्व अपने अपने विद्यालय स्तर पर बेसिक शिक्षा परिषद के स्तर पर सामूहिक रूप से हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों की जिम्मेदारी है कि वे इसको यहां पर शिक्षा की नींव को मजबूती बनाने में अपना योगदान दे सकें। इसी प्रकार से प्रदेश में अगर 600 ICT लैब्स स्थापित हो रही हैं तो इसी के साथ यहां पे 64 विकास खंडों में हम लोग आज गोरखपुर में भी इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं और स्मार्ट क्लास के लिए भी अगर प्रदेश भर में 22,260 प्रसिद्धीय लैब्स स्मार्ट क्लास की स्थापना हुई है तो गोरखपुर मंडल में भी 1,086 इस परिषद विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना का शुभारंभ भी आज हम इसके साथ करने जा रहे हैं। यहां हम सबको मदद कैसे कर सकता है, आप देखते होंगे कोरोना कालखंड में अचानक क्या समस्या खड़ी हो गई थी। स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से कोई था शिक्षा था। हमें बच्चों को प्रमोशन देना पड़ा, बिना किसी परीक्षा के प्रमोट करके अगली क्लास में भेजना पड़ा था। वर्ष भर विद्यालय बंद रहे, बच्चों की पढ़ाई में विपरीत असर पड़ा और तब तकनीक का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए प्रधानमंत्री जी की पहल थी। परिणाम क्या है, आज एक जगह में बैठ करके एक शिक्षक प्रदेश के सभी, अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर 22,260 स्मार्ट क्लास एक साथ सेटअप कर रहे हैं तो मान के चलिए कि एक जगह से 22,260 विद्यालयों की स्मार्ट क्लास को एक जगह से संचालन करने की सामर्थ्य आज तकनीक के माध्यम से संभव हुआ है और हम इस कार्य को कर सकते हैं। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद में किसी शिक्षक ने अपने प्रयास से पाठ्यक्रम को सहज और सरल बनाने के लिए कोई प्रयास किया है, आपका टैबलेट उसमें आपका कंटेंट देने का एक माध्यम बन सकता है, आपको बहुत अच्छा सशक्त माध्यम बन सकता है। आप भी अपने कंटेंट को उसके माध्यम से देखिए, भेजिए, अच्छा क्या कुछ आप देख सकते हैं। अच्छा शिक्षक तो वही है जो निरंतर शोध करते हुए शिक्षा के सरलीकरण में अपने स्तर पर कुछ प्रयास कर सके। शिक्षा की इस नींव को मजबूत बनाने में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। जब आप इस दिशा में प्रयास करेंगे और खासतौर पर प्री प्राइमरी के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अपने के साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम को और मजबूत करेंगे, यानी बच्चा तीसरी क्लास में ही अगर विद्यालय में आएगा और उसको विद्यालय के प्रवेश में देखता हूं, जब पांचवी क्लास में विगत वर्ष जब सत्र प्रारंभ हो रहा था, पहली क्लास में 5 साल के बच्चे को जब प्रवेश कराया जा रहा था, बहुत सारे विद्यालयों में बच्चे रो रहे थे स्कूल न जाने के लिए कि स्कूल नहीं जाना है। लेकिन जब आप आंगनबाड़ी के माध्यम से जुड़ना प्रारंभ करेगा, तीसरी क्लास में वो विद्यालय आना प्रारंभ करेगा और उसको वहां पे बच्चों के साथ खेलकूद करने में, दोस्ती करने में अच्छा लगेगा, तो आप देखेंगे कि उसका बहुत अच्छा लाभ उसको प्राप्त होगा। और जब पहली क्लास में वो जाएगा तो पहली क्लास के साथ जुड़ने में उसको और अच्छी मदद मिलेगी। आज तो पाठ्यक्रम भी नया नया पाठ्यक्रम NCERT के पाठ्यक्रम को बेसिक शिक्षा परिषद अपने यहां उतार रही है, इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं को हम बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चों के साथ जोड़ सकते हैं, खासतौर पर जो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न स्कॉलरशिप की स्कीम होंगी और खास
तौर पर जो योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की है, बेटियों के लिए खास तौर पर पात्रता की श्रेणी में जो आ रहे हैं, अगर आप उन बेटियों को उन योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, कितना बड़ा लाभ होगा उन बच्चों को। एक, बेटियां स्कूल भी आएंगी, दूसरा उन्हें इसका लाभ भी प्राप्त होगा। और 15,000 रुपए का पैकेज अब तक हम उन बेटियों को दे रहे हैं, बेटी के जन्म लेने से लेकर के एक वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीका से आच्छादित होगी तो भी उसको इंसेंटिव मिलना है, पहली क्लास में जाएगी तो भी पैसा मिलेगा, पांचवी के बाद छठी क्लास में जाएगी तो भी पैसा मिलेगा, आठवीं के बाद जब नौवीं क्लास में जाएगी तो भी पैसा मिलेगा, और नौवीं के बाद अगर वह बेटी हाई स्कूल पास करने के बाद फिर अपना कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई वह आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती है, कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहती है, तब भी सरकार के स्तर पर उसको पैसा मिलेगा। अब तक हम 15,000 दे रहे थे, नए सत्र में हम इस राशि को बढ़ा के 25,000 करने वाले हैं। कितना लाभ होगा किसी गरीब बेटी को अगर आप इस योजना के साथ जोड़ते हैं, या तमाम ऐसी योजनाएं होंगी जिन योजनाओं के साथ जुड़कर के आप समाज को अपने साथ जोड़ने का एक कार्य कर सकते हैं। मुझे अक्सर इस बात पर पीड़ा होती है जब ये कहा जाता है साहब शिक्षक को कोई और कार्य नहीं करना चाहिए, मुझे आश्चर्य होता है इस बात पे। एक शिक्षक को अपने विद्यालय के अलावा जिस गांव में वो विद्यालय स्थित है, या जिस न्याय पंचायत में विद्यालय स्थित है, जिस विकास खंड में है और जिस जनपद में है, वहां की सामाजिक, वहां की भौगोलिक, वहां की आर्थिक स्थिति की भी पूरी और सही तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए। पहले यह प्रयास होना चाहिए अपने गांव से आप शुरुआत करिए। गांव में कितने परिवार हैं, इन परिवारों की आर्थिक स्थिति क्या है, कितने लोग सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं, कितने लोग प्राइवेट कार्य करते हैं, कितने लोग अच्छा अपना कारोबार कर रहे हैं, कितने लोग अलग अलग क्षेत्रों में, उनका मूल्यांकन करके एक अच्छा वो बना सकते हैं, उनका एक वहां की आर्थिक सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति की एक अच्छा स्टडी आप अपने स्वयं भी विद्यालय के माध्यम से कर सकते हैं। उस गांव का किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे गांव ऐसे होंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान किया होगा, बहुत सारे गांव ऐसे होंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत में उस गांव में कोई शहीद परिवार वहां उस गांव का होगा, कोई ऐसा जवान होगा जिस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश के किसी युद्ध में वह जवान शहीद हुआ होगा, उसके नाम पर गांव में क्या स्मारक बना है कि नहीं बना है, ये सब जानकारी आपको होंगी। गांव के बारे में, गांव की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या कुछ प्रयास हो सकता है, गांव कृषि बाहुल्य है, गांव में खेती बाड़ी है, गांव में बागवानी है, गांव में नदी है, गांव में तालाब है, गांव में पशुपालन की संभावनाएं हैं, गांव में व्यवसाय की संभावनाएं हैं, गांव में कुछ भी तो नया कुछ हो सकता, नयापन हो सकता है। ये जानकारी एक शिक्षक रखेगा तो बहुत अच्छा होगा, और इस दिशा में प्रयास होना। और इसका सबसे अच्छा माध्यम कब बनता था, जब जनगणना होती थी और शिक्षकों से कहा जाता था कि वे जाकर के एक एक घर में जाकर के उन परिवारों का थोड़ा मूल्यांकन करें, आंकड़े इकट्ठा करें, डाटा इकट्ठा करें, और डाटा इकट्ठा करने के जब एक शिक्षक जाता था तो जाता ही नहीं था, दो कार्य करता था, एक अभिभावक के साथ संवाद बनाता था और दूसरा कार्य वह जाता था तो वहां जाने के बाद वह शिक्षक वहां जाकर के एक और कार्य करता था, उन्हें पता लगता था गांव की क्या स्थिति है, क्या है गांव में, क्या पोटेंशियल है, क्या कुछ हो सकता है इस गांव में, ये खेती बाहुल्य है, यहां बागवानी हो सकती है, यहां पशुपालन हो सकता है, यहां व्यवसाय हो सकता है, यहां पे अन्य कोई परंपरागत कारीगरी के लिए कुछ नए कार्य हो सकते हैं, जैसे गोरखपुर में औरंगाबाद एक गांव है, टेराकोटा के लिए विख्यात है, दुनिया के अंदर विख्यात है, मुझे लगता है गोरखपुर के बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वहां के कारीगरों ने टेराकोटा के माध्यम से उस गांव को वैश्विक मान्यता दिला दी। आखिर गोरखपुर में तो गांव है, बहुत सारे गांव होंगे, आखिर आजमगढ़ में भी ब्लैक पॉटरी जो होता है ये किसी एक गांव से तो प्रारंभ हुआ, आज उसको वैश्विक मान्यता मिल गई। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होंगी
तो गांव में जब आप जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे, संवाद बनाएंगे, तब ये संवाद आपको और आपके कार्यकाल को यादगार बनाएगा। और याद रखना, कार्यकाल जितना यादगार होगा लोगों के लिए, वो स्मरणीय होगा, लोग आपको स्मरण करेंगे। और नौकरी का मजा तो तभी है जब हमारे कार्यकाल को लोग जाने, अच्छे ढंग से उसको अप्रिशिएट करें, और हमारे वहां से जाने के बाद तब लोग हमें स्मरण करें, तब आपकी उपलब्धि है। टाइम पास करने में तो हर एक व्यक्ति का टाइम पास तो हो ही रहा है। एक शिक्षक का काम टाइम पास करना नहीं है, निर्माण करना है, समाज के निर्माण की इकाई को मजबूती प्रदान करना है, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करना है। जो समर्पण का भाव, याद करिए, एक सामान्य बच्चे के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य पैदा करने का सामर्थ्य किसी में था तो एक शिक्षक में ही था। वह चाणक्य जैसा शिक्षक था, और उस शिक्षक के लिए उस गुण को अपने अंदर अंगीकार करते हुए इस राष्ट्र को इस प्रकार के नागरिक देने के एक सामर्थ्य आप सबको विकसित करनी चाहिए। और इसके लिए आज के अनुरूप तकनीक से हम अपने आप को पीछे नहीं कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद आज इसके माध्यम से एक नए युग की ओर प्रवेश कर रहा है। जब टैबलेट, आईसीटी लैब्स, स्मार्ट क्लास, प्री प्राइमरी स्कूल के लिए वंडर बॉक्स और दिव्यांग जनों के लिए दिव्यांगजन कृत्रिम अंग उपकरण वितरण का यह कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है, इस अवसर पर मैं बेसिक शिक्षा परिषद को धन्यवाद देता हूं। आप सभी शिक्षकों को, जिनको इसका माध्यम बनना है, उसके लिए इसका अभिनंदन करते हुए आह्वान करूंगा कि इस तकनीक का बेहतर उपयोग करिए, शासन की उपलब्धियों को बेहतर उपयोग करिए, और उत्तर प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप शिक्षा की इस नींव को इतना सुदृढ़ करिए कि इस पर बनने वाला भवन भारत को सशक्त और समर्थ बनाने में सफल हो सके। उसका रास्ता उत्तर प्रदेश के माध्यम से, उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से आगे बढ़े, इसका आह्वान करते हुए मैं आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।